नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A54 वर्सेस Samsung Galaxy S03s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A54 में 6.44 इंच जबकि Galaxy S03s में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo A54 में 2.98 इंच जबकि Galaxy S03s में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A54 में 0.33 इंच जबकि Galaxy S03s में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo A54 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A54 में 192 ग्राम्स जबकि Galaxy S03s में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Oppo A54 में IPS LCD जबकि Galaxy S03s में TFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A54 में 6.51 इंचेस जबकि Galaxy S03s में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A54 में 82.62% जबकि Galaxy S03s में 81.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A54 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy S03s की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A54 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy S03s की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A54 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Galaxy S03s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A54 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 4 GB, 6 GB की रैम मिलती है, जबकि Galaxy S03s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3 GB, 4 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A54 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 128 GB, 128 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Galaxy S03s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32 GB, 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo A54 में अप टू 256 GB जबकि Galaxy S03s में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Oppo A54 में Android V10Q जबकि Galaxy S03s में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ओप्पो A54 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,480 रुपीज, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,480 रुपीज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,990 रुपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी A03s की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीज, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो A54 में 10 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी A03s की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में ओप्पो A54 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11 Lite है, जो कि 23,719 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme Narzo 50A है, जो कि 11,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Oppo F19s है, जो कि 19,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A55 है, जो कि 15,490 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।